गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 5. नाम शब्द मीन्स नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम आवर हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक. तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो. तो पिक्चर में ये इमेज में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई है पहले हम वो देखेंगे. जैसे कपड़े, स्टूल, नाइट लैम्प, तकिया, पलंग, तस्वीर, हवाई जहाज, किताबें, पेंसिल रखने के लिए बॉक्स, उसके अंदर पेन और पेंसिल्स, गेंद, कुत्ता, गलीचा, गलीचा मीन्स कारपेट, जूते, नितिन, नितिन मीन्स एक लड़के का नाम, किताबें, फल, पर्दा मीन्स कर्टेन, कबोर्ड. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी है और उसके अलग अलग नाम है. तो ये जो भी अलग अलग नाम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम वाले शब्द कहते हैं. यानी दूसरे शब्द में हम उसको संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. तो हम आगे पढ़ेंगे. इस कमरे में बहुत सी चीज़ें रखी हुई है. आप देख रहे हो कि इस रूम में कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है और सब चीज़ों के अलग अलग नाम है. ये सभी क्या है? नाम शब्द है. क्या है? नाम शब्द है. तो सभी चीज़ों, लोगों और जगहों के नाम होते हैं, ये नाम शब्द कहलाते हैं. सभी चीज़ मतलब वस्तु के नाम हो, लोगों, चीज़ मतलब आप यहाँ पे मैं दिखाओ तो ये क्या है, ये क्या है? क्रेयोंस है. तो आप उसको सब आप देख के समझ जाओगे कि ये क्या है, क्रेयोंस है. तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है. ये क्या है? तो ये है इरेजर. ये क्या है? तो एक ये टॉय है, खिलौना है. देन ये चॉकस्टिक है. लास्ट में ये स्केच पेन है. तो मैंने जो सारी आपको चीज़ें दिखाई तो वो क्या है, उसके एक अलग अलग नाम होते हैं, एक पर्टिकुलर नाम होते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाम शब्द कहते हैं. चीज़ों, फिर लोगों. लोगों मतलब मेरा भी एक नाम है, आपका भी एक नाम होगा, आपके फैमिली में सबके पर्टिकुलर नाम हो गए, दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, तो उनके एक अलग अलग नाम होते हैं. फिर जगहों के नाम. जगहों के नाम मतलब प्लेस के नाम. सपोज़ आप स्कूल में आ रहे हो तो स्कूल क्या हुआ? एक प्लेस हुआ. मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो तो मार्केट क्या हुआ? मीन्स बाजार. एक प्लेस हुआ. पोस्ट ऑफिस क्या हुआ? एक प्लेस हुआ. मंदिर में आप जाते हो दर्शन करने के लिए तो टेम्पल, तो वो क्या हुआ? एक प्लेस हुआ. देन बैंक में कुछ बैंक में काम है और जा रहे हो तो बैंक क्या हुआ? एक प्लेस हुआ. तो सभी चीज़ों, लोगों और जगहों के नाम होते हैं तो ये नाम शब्द कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नाम कई तरह के होते हैं. नाम कई तरह के होते हैं. जैसे व्यक्तियों के नाम, मैंने बोला ना कि पीपल के नाम, लोगों के नाम, दादा, महेंद्र सिंह धोनी, सोनाली, सोनाली मीन्स एक लड़की का नाम होता है. तो ये सारे व्यक्तियों के नाम होते हैं. फिर पशु पक्षियों के भी नाम होते हैं, शेर, कबूतर, हाथी. ओके, जैसे मोर, कछुआ, लोमड़ी, तो उनके भी एक अलग अलग नाम होते हैं. जगहों के नाम, तो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मीन्स जू, लाल किला, आप कहीं भी घूमने जाओ और वो प्लेस का एक नाम होता है. जैसे आप महलों में राजस्थान के साइड जाओ तो हवा महल, चार मीनार, ये सब जो होता है. कोई भी जगह पे आप जाओ, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, अक्षरधाम, तो वो सब जो जगह का एक नाम होता है, प्लेस का एक पर्टिकुलर नाम होते हैं. तो लाल किला, फिर मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया तो स्कूल भी एक जगह है, स्थान है. फिर वस्तुओं के नाम, मोबाइल, सोफ़ा, कार,
इनके अलावा भी कुछ नाम है जो संज्ञा कहलाते हैं, इनके अलावा भी नाम होते हैं, जैसे दिनों के नाम सोमवार मंगलवार, जैसे हम संडे मंडे ट्यूसडे बोलते हैं ना, वैसे हिंदी में सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपको पता चले कि आज मंडे हुआ, कल ट्यूसडे आएगा, कल संडे था। फिर महीनों के नाम भी होते हैं, मीन्स मंथ्स नेम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसके भी एक अलग अलग नाम होते हैं। तो आपको पता चलता है कि ये ऐसे कौन सा महीना चल रहा है, तो ये ऐसे जुलाई का महीना चल रहा है, आगे कौन सा मंथ आएगा कौन सा महीना आएगा तो अगस्त आएगा। तो महीनों के भी अलग अलग नाम होते हैं। फिर नदियों के भी नाम होते हैं, गंगा यमुना कावेरी गोदावरी गंगोत्री आदि एक्सेट्रा। और पहाड़ों के भी नाम होते हैं, हिमालय अरावली आदि एक्सेट्रा। फिर आप जानो तो अलग अलग फ्रूट्स के भी नाम होते हैं, जैसे आम केला चीकू तरबूज। फिर सब्जियों के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे प्याज आलू बैंगन ककड़ी अदरक। ओके, तो ये अलग अलग सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो जो अलग अलग नाम होते हैं, तो नाम वाले सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं या तो नाम शब्द कहते हैं। ओके, तो आपको नोटबुक में क्या लिखना है, आपको नोटबुक में लिखना है सभी चीज़ों लोगों और जगहों के नाम होते हैं, ये नाम शब्द कहलाते हैं। आपको क्या करना है, सभी चीज़ों लोगों और जगहों के नाम होते हैं, ये नाम शब्द कहलाते हैं। आप दो लाइन लिखोगे, फिर नीचे क्या लिखोगे, जैसे करके कोई भी दो पर्सन के नाम आप पेस्ट करके नीचे नाम लिख दोगे। सपोज कोई भी एक्टर का या एक्ट्रेस का फ़ोटो चिपका के आप नीचे नाम लिख सकते हो। फिर नीचे दो प्लेस के फ़ोटो चिपका के आप नाम लिखोगे, जगहों के नाम करके। और फिर चीज़ों के नाम, कोई भी दो चीज़ के दो वस्तुओं के नाम आप लिखोगे और उसके पिक्चर पेस्ट करके नीचे नाम लिखोगे। आपको सिर्फ तीन ही लिखना है, चीज़ लोगों और जगह। उसके अलावा आपको एनिमल्स और बर्ड्स के भी चिपकाने हो तो वो भी चिपका सकते हो, और आपको फ्रूट या सब्जी के भी चिपकाने हो तो वो भी आप चिपका सकते हो। ऐसे ही आप ऊपर हेडिंग इनके जैसे ही डालोगे, जैसे पशु पक्षियों के नाम, तो ये दो कोई भी दो आप पिक्चर पेस्ट करके नाम लिखोगे, जगहों के नाम भी पिक्चर पेस्ट करके नाम लिखोगे, और वस्तुओं के नाम पिक्चर पेस्ट करके नाम लिखोगे, और व्यक्तियों के नाम पे कोई भी दो पिक्चर पेस्ट करके आप नाम लिखोगे। ओके, तो सभी नाम वाले जो शब्द होते हैं या नाम वाली चीज़ें होते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं या तो नाम शब्द कहते हैं। ओके, बाय एवरीवन।